मॉम आजकल आदि और मेरे बीच में बहुत झगड़े चल रहे हैं. हम हर वक्त चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं. कभी कभी तो ऐसी बातें बोल देते हैं कि बहुत हर्ट होता है. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं भी तो करूं क्या. एक बात बता, लोग एक दूसरे पर चिल्लाते क्यों हैं जब गुस्सा आता है? चिल्लाते क्यों हैं? शायद पेशेंस खत्म हो जाती है, या शायद कभी अंदर से इतना भर जाते हैं ना कि बस बरस पड़ते हैं. पर जब इंसान पास पास खड़े हैं तो गुस्से में चिल्लाने की क्या जरूरत है? एक दूसरे से आराम से भी बात कर सकते हैं. हाँ, मगर जब दो लोग गुस्सा करते हैं तो उनके दिल दूर हो जाते हैं, और उस दूरी को पार करने के लिए उन्हें चिल्लाना पड़ता है ताकि एक दूसरे को सुन सके. और जितना गुस्सा ज्यादा होता है उतना ही वो जोर से चिल्लाते हैं, क्योंकि उतनी ही दूरी ज्यादा होती है. और जब दो लोगों के बीच में नया नया प्यार होता है तो वो आपस में कैसे बात करते हैं? आराम से, प्यार से. हाँ, वो एक दूसरे पर चिल्लाते नहीं है, वो धीमी आवाज में बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल बहुत करीब होते हैं और उनकी दूरी बहुत कम हो गई होती है. और जब उनका प्यार और बढ़ जाता है तब क्या होता है? तो एक दिन ऐसा भी आता है कि एक दूसरे से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस इशारों में ही बात हो जाती है. सच तो ये है कि दो लोगों की आपस में थोड़ी बहुत तो आर्गुमेंट्स होंगी, पर जब आर्ग्यू करो तो इस बात का ध्यान रखो कि दिलों में दूरी ना आए. ऐसे शब्द ना बोलो जिनसे दूरी बढ़ जाए. नहीं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि दूरी इतनी बढ़ जाए कि वापस आने का रास्ता ही नजर ना आए. दो, कभी भी आप अपने दिल को गुस्से या करवाहट से ना भरने दो, खासकर उनके खिलाफ जो आपके सबसे करीबी हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. सच्चाई यह है कि कोई भी दो इंसान हर एक चीज के बारे में एक जैसा नहीं सोच सकते हैं, तो कभी ना कभी डिसएग्रीमेंट्स होंगी, अनबन होगी, पर उस टाइम पे आराम से, शांति से डिस्कशन करके हर बात को रिजॉल्व करो. और कभी कभी डिस्कशन के बाद भी आप उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे और वो भी आपके साथ अग्री नहीं करेंगे. And that's okay. Sometimes it's okay to agree to disagree. आपको याद रखना है कि हमेशा agree करना जरूरी नहीं है, पर ये जरूरी है कि आप एक दूसरे की इज्जत करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो. गिले शिकवे अपने अंदर मत रखो, जो भी बात है बोल दो, प्यार से बोलो, लेकिन बोलो. क्योंकि जब हम गुस्से को अपने अंदर रखते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और वो गुस्सा हमारे और दूसरे इंसान के बीच में एक दूरी क्रिएट करता है. और जब दूरी बढ़ती है तो एक दूसरे से बात करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. तब बातें कम, झगड़े ज्यादा होते हैं, और फिर गुस्सा और हर्ट बढ़ता चला जाता है. कभी भी अपने रिश्तों को इस पॉइंट तक मत आने दो. एक दूसरे के साथ आराम से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना बहुत जरूरी है. अपनी बात कहो और दूसरे की बात आराम से सुनो, और चाहे आप अग्री करते हो या नहीं करते हो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और हमेशा एक दूसरे की इज्जत करो. Hi guys, this is Geet, और मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचते हैं. तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताइए कि इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, और साथ में आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देख सके और मिलके हम अपनी और सोसाइटी की सोच बदल सकें. और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का वेट है, प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल बटन दबाइए कि आपको अपडेट्स मिलते रहे, और साथ में मेरे साथ जुड़ जाइए फेसबुक और इंस्टाग्राम पे @theofficialgeet.